क्या लग रहा है आपको, बाबर आजम जो है इन्हीं के साथ स्टिक करेगा बोर्ड, या बोर्ड जो है डिसीजन कुछ और लेगा? क्या खबरें हैं हमारे पास? आई पर्सनली फील कि कोई ड्रास्टिक चेंजेस का टाइम नहीं है आपके पास। ठीक है, मॉर्ने मॉर्गन ने रिजाइन कर दिया क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था। उन्होंने शायद इसी चीज को, उनके पास ऑप्शन ही बहुत है। दे हैव टू थ्री यू नो काउंटी एंड सम अदर लीग कॉन्ट्रैक्ट्स एज वेल। और आजकल के कोचेज उसमें ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। हमारे यहाँ तो देखे ना, हमने मिकी आर्थर पे भी तलवार लटकाई हुई है, लेकिन हमने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। तो इसलिए बहुत सारे फॉरन कोचेज नेशनल कॉन्ट्रैक्ट से बचते हैं, क्योंकि एक तो लंबा है, ऊपर से फिर फ्यूचर का पता नहीं होता। बट आज 2 बजे की मीटिंग में अमीर एक चीज तो वादे हो जाएगी कि आपकी सिम्स क्या है। देखिए, आपको 14 दिसंबर को टेस्ट मैच खेलना है, 2 तारीख को आपको 2 दिसंबर को रवाना होना है। आज हो गई है 15 नवंबर, 15 दिन आपके पास नहीं है। 15 दिन में ना तो कोई नया कैप्टन ग्रुप कर सकते हो आप ऑस्ट्रेलिया जाके वो ऑस्ट्रेलिया को चैलेंज कर रहे हैं, ना आपके पास जो है ना वो वनडे क्रिकेट है नवंबर 2024 तक। तो ये 2 चीजें तो क्लियर हो गई। हाँ, T20 के अंदर आप क्या सोच सकते हो, मे बी कि आप ये सोचो कि जी आप बाबर से बात करो कि जी वो चाहते हैं बोर्ड, या ये बोर्ड की जवाबदेही है, इसमें मैं और आप कुछ नहीं बोल सकते। चेयरमैन चाहेंगे तो बोलेंगे जी बाबर साहब कंटिन्यू करें, या बाबर के पास ये चॉइस है कि अगर बाबर ये समझते हैं कि मुझ पर लोड ज्यादा है, या मुझ पर क्रिटिसिज्म हो रहा है, या मेरा गेम इफेक्ट हो रहा है, तो वो खुद एक पर्सनल डिसीजन ले लें। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल नाउ, बिकॉज ऐसे सिनेरियो में आपके दो फरीक हो जाते हैं, एक क्रिकेट बोर्ड, एक खिलाड़ी और या कप्तान। यहाँ पे बाबर और जक्का अशरफ दो लोग हैं। अब ये और बात है कि बाबर क्या सोचते हैं और क्या जक्का अशरफ उसको बैक करते हैं, या बाबर जो सोचते हैं क्या जक्का अशरफ की अलग कोई थ्योरी होती है। तो आई थिंक आज का हमें वेट करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि मॉर्ने मॉर्कर रिजाइन, आपकी सिलेक्शन कमेटी फारिग हो गई है, नए चीफ सिलेक्टर आने ही आने हैं। वो इस हफ्ते आपको एक ब्रेकिंग न्यूज वो मिलेगी। कल आपको ये पता चलेगा कि बाबर गोइंग टू बी द कैप्टन इन द ऑल 3 फॉर्मेट्स, या बोर्ड मे बी स्मार्ट ऑपरेट करे कि भाई अभी आपको टेस्ट मैचेस में जाना है, तो आप अभी टेस्ट कैप्टन ही अनाउंस करो, T20 के लिए आप कॉल थोड़ा सा डेफर कर दो। तो आप, मैं जितना समझता हूँ जक्का अशरफ साहब थोड़े ठंडे दिमाग के आदमी है, थोड़ा सा तहमुल वाले आदमी है। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि वो जल्दबाजी करेंगे। आई एम एक्सपेक्टिंग कि हमारी यही कोचेज और यही जो हमारे समझने के जो टीम है तकरीबन, ये कैप्टन ये ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। बट आई एम नॉट श्योर कि T20 के मुताबिक बोर्ड या खुद बाबर क्या सोचते हैं, ये हमें कल ही पता चल सकेगा। और वनडे तो बहुत दूर है, नवंबर 2024। बट आई एम श्योर कि जो T20 का आप डिसीजन लोगे ना अमीर, 100% ODI का भी वही डिसीजन होगा। बिकॉज T20 वर्ल्ड कप इन जून जुलाई, देन यू हैव अ चैंपियंस ट्रॉफी इन फरवरी, तो 7 महीने का ही फर्क है। सो अगर बोर्ड समझता होगा या बाबर समझते होंगे कि यहाँ कोई चेंज हो सकता है या होना चाहिए, तो फिर T20 से शुरू होकर बाद वनडे में भी जाएगी। बट अगर T20 तक भी बाबर नहीं कंटिन्यू किया, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि फिर शायद शायद इस पर आप तब्दीली ना करो। बिल्कुल ठीक है। ये कुछ इस तरह की बातें हम देख रहे हैं, स्पेकुलेट हो रही हैं कि जैसे कि आपने बताया कि दिन क्योंकि बहुत कम है तो इतने ज़्यादा चेंजेस कर नहीं सकते। स्पेशली अगर हम WTC देखें तो बाबर का रिकॉर्ड भी बड़ा अच्छा जा रहा है। टेस्ट मैचेस में हमारा जो अभी सीरीज हुई श्रीलंका के साथ वो हम जीते थे, तो बिल्कुल डेफिनेटली वो तो चेंज नहीं समझ आ रहा अभी, और शायद हो भी ना। लेकिन अगर हम देखें तो बातें ऐसी भी हो रही हैं कि शाहीन शाह अफरीदी जो है उनका नाम काफी ज्यादा हम देख रहे हैं कि घूम फिर रहा है फॉर T20 कैप्टनसी। तो क्या आपको लगता है कि ऐसी बातें जो हैं वो हो रही हैं डिस्कस? देखिए, शाहीन एक फास्ट बॉलर है, यंग फास्ट बॉलर है, इंजरी उनको हुई थी, हमारे लिए बहुत बड़ा एसेट है। न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आ रही है, 5 T20 वो, और फिर 4 T20 इंग्लैंड के खिलाफ है जून में। डू यू थिंक हमजा के 10-12 PSL के मैचेस के साथ वो 14 मैचेस जो इंटरनेशनल मैंने आपको गिनवा दिए, मतलब 26 मैचेस शाहीन शाह अफरीदी लगातार खेल सकते हैं? डू यू थिंक, मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि फास्ट बॉलर को T20 का कप्तान बनाने से पहले आपको एक नहीं 3 मरतबा सोचना पड़ेगा यार। क्योंकि एक यंग फास्ट बॉलर को आप हर मैच कैसे खिला सकते हो, उसका बॉडी का बर्डन, उसका वर्ल्ड कप आगे आ रहा है जून जुलाई में, वो अलग मैचेस होंगे। मैंने तो वो अभी वर्ल्ड कप के मैचेस नहीं गिनवाए आपको। फिर आप देखो कि चैंपियंस ट्रॉफी भी है 2025 में, और फिर 2026 में भी एक और वर्ल्ड ICC इवेंट है, फिर 2027। मुझे ऐसे लगता है कि आपको ना बहुत सोच समझ के फैसला करना होगा। आई एम नॉट अ फैन ऑफ मेकिंग फास्ट बॉलर स्पेशली द T20 कैप्टन, क्योंकि देखिए वनडे और टेस्ट सीरीज होती है एक दो की, दो तीन की, बट आपको T20 तो 5-5 खेलने हैं यार, और आपको जान मारनी है, उसमें प्रेशर बहुत होता है। तो अमीर, मैं तो आपकी तरफ भी सवाल, मैंने आप या मेरा आपने मुझे सवाल किया, मैंने आपकी तरफ सवाल पुट अप कर दिया, जो लोग हमें देख भी रहे हैं लाइव, कि शाहीन 14 मैचेस की T20 कप्तानी लगातार कर सकते हैं, उन पे बर्डन नहीं होगा, कहीं हम उनको फिर इंजरी में मिस आउट ना कर दें। मेरे तो बड़े इस पे
मतलब रिजर्वेशन है। आई एम नॉट सेइंग कि आप कप्तान, देखो मेरा गेंद था ये, जक्का अशरफ बाबर को मिलके फैसला करना है, इन दोनों को ही करना चाहिए। बट अगर आप एक सिनेरियो के तौर मुझसे पूछते हो, आई थिंक इट्स वेरी टफ टू से कि शाहीन को आप T20 कैप्टन बनाओ। मे बी कोई और आपके पास चॉइस हो सकती है, बट यंग फास्ट बॉलर इन अ T20 कैप्टन रोल, फिर वो तीनों कमिंग बैक फॉर्मेट फ्रॉम खेल इंजरी, कमिंग रहा बैक फ्रॉम मैसिव इंजरी एज वेल, कमिंग बैक फ्रॉम मैसिव इंजरी एज वेल, और वो हैं भी थोड़े से इंजरी प्रोन भी हैं, थोड़े फ्रेजाइल हो गए हुए हैं वो, क्योंकि जाहिर है वो क्रिकेट बहुत खेल रहे हैं और इंजरी से रिकवर का टाइम इतना उनको रिकवरी का इतना मिल ही नहीं रहा। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, दी बैटिंग और बॉलिंग में यही फर्क है ना कि बॉलर की बॉडी पे जो स्ट्रेस आता है ड्यूरिंग द गेम वो बैट्समैन की बॉडी पे नहीं उस तरह से आ रहा होता। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि इतने ज्यादा गेम्स जो है वो किस तरह से लीड करेंगे। तो बिल्कुल, ये तो बड़ा जबरदस्त पॉइंट है जो आपने अभी हमारे साथ शेयर किया है। तो ठीक हो गया, ये फिर पता चलेगा, वक्त ही बताएगा कि कौन जो है वो पाकिस्तान को लीड कर रहे होंगे। और ODI तो भी खैर है ही बहुत दूर, और हम हमेशा यही बात करते थे वर्ल्ड कप से पहले भी, ये बात करते थे कि वर्ल्ड कप के फौरन बाद एक ना ब्रेक आ जाएगी ODI से, और वही हुआ कि अगर अभी कैप्टन वो कोई अनाउंस कर भी देते हैं, क्योंकि बात हो रही है कि जी तीन डिफरेंट फॉर्मेट्स के तीन डिफरेंट कैप्टन होंगे, तो जो थर्ड कैप्टन है वो बेचारे एक साल क्या करेंगे, मुझे वो भी समझ इतनी आ नहीं रही कि उनकी फॉर्म उस तब तक कहाँ होगी। और एक और चीज बात, एक और जो बात है ना गफार भाई, वो ये है कि देखें, अगर आपने परफॉर्मेंस की बेस पे ही कैप्टन को तब्दील करना था, तो फिर तो शाहीन शाह अफरीदी जो है वो भी उस तरह से नहीं परफॉर्म किया ना उन्होंने, जो आपको उनसे चाहिए था कि आप उनको पावर प्लेज में जो डैमेज उन्होंने किया करना था वो नहीं हुआ। और हमने बड़ा क्लियरली वर्ल्ड कप में देखा, मॉडर्न क्रिकेट अप्रोच हमने देखी हर दूसरी टीम की, कि पावर प्ले को ही एक्सप्लॉइट कर रहा था हर कोई, और वहीं पे जब हमें विकेट्स नहीं मिली तो हमने उसका ठीक ठाक डैमेज जो है वो फेस किया। तो